कभी सोचा आपने कि आयतल कुर्सी हिफाजत क्यों करती है जिन से, जिन्नात से, कुत्ते से, इंसानों से, शरीर इंसानों से, हसद से क्यों करती है? असल में अल्लाह पाक की अजमत को इतना बयान किया जाता है, अल्लाह कहता है तूने मेरी अजमत को इतना बयान किया है, अब मैं जानू तेरा दुश्मन जाने और मेरी फरिश्तों की फोर्स, और मैं तो फरिश्तों का भी मोहताज नहीं हूं। आयतल कुर्सी इसमें आजमों में से इसमें आजम है, उसकी वजह ये जो पहली आयत और आखिरी आयत, 100 दिन पहली आयत पढ़ें, खूब पढ़ें, वुजू पे वुजू पढ़ें और शाम को पूरी करें आयतल कुर्सी, और आयतल कुर्सी की आखिरी आयत को बहुत ज्यादा पढ़ते 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 रात पर सो जाएं। आसमान से जितनी भी बलाएं, वबाएं, आफतें, तूफान अगर रोकने हैं तो वहुवल अली पढ़े, और जमीन की जितनी आफात परेशानियों को रोकना है फिर आजीम पढ़े। आसमान की जितने भी निजाम की रहमतें बरकतें चाहते हैं, बारिश हो, रिस्क की, वुस्सत की, बरकत की। एक रिवायत में यहां तक है कि पहले आसमान पे आयतल कुर्सी की आखिरी आयत के फरिश्ते हैं और बाकी 6 आसमान पे आयतल कुर्सी की पहली आयत के फरिश्ते हैं, जो इस इंतजार में हैं कि कोई बंदा आयतल कुर्सी पढ़े और वो उसकी मदद को पहुंच जाए।